हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट द विशाल। गाइस, ये वीडियो सभी उन भाइयों के लिए जो भी मेरे भाई टेनिस बॉल से बॉलिंग करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा टेनिस बॉल से आप आउट स्विंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत भाई पूछे थे भैया हम टेनिस बॉल से बॉल डालते हैं पर बॉल कटता नहीं है, मतलब बैट्समैन सीधा बॉल जाता है, बैट्समैन सीधा तरीके से खेलता है, तो कैसे आप उसको कट करा सकते हैं, मतलब पड़ के अंदर बाहर करा सकते हैं। तो आज ये मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है गाइस। अगर आपको ये बॉल काटना आ गया, मतलब इन स्विंग आउट स्विंग कराना आ गया, तो आप महारत हासिल कर लोगे बॉलिंग करने में। आपको इतनी आसानी से कोई मार नहीं सकता है अगर ये बॉलिंग आज आपने सीख ली। ये पूरा वीडियो गाइस आउट स्विंग के ऊपर है कि आउट स्विंग कैसे कर सकते हैं। अगला वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अंदर कर सकते हो, तो ध्यान से देखना। ये भी बताऊंगा कि स्विंग होता है या कटर होता है, वो भी पूरा बताऊंगा। तो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए वीडियो। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेनिस बॉल से गाइज स्विंग बॉल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी आप देख सकते हो सीम नहीं है, सीधा सिंपल बॉल है, आप देख सकते हो छोटा बॉल है। आप इससे, बहुत भाई पूछते हैं भैया स्विंग कैसे करें, इससे स्विंग नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, इससे क्या होगा गाइज, कटर आप डाल सकते हो, बॉल पढ़ के कट के अंदर जाए, अंदर या बाहर आए, जब आप फिंगर्स का यूज़ करोगे। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कैसे आप फिंगर्स का यूज़ करके आउट स्विंग करा सकते हो, क्योंकि इसमें सीम नहीं है। तो ये चीज़ें आप बोलना इसको बंद कर सकते हो, आप कटर बोल सकते हो, इससे कटर कैसे करें, क्योंकि अगर बॉल में सीम होगा जब भी जाके वो हमें इधर उधर लहराएगा, वो स्विंग होगा। इसमें गाइस कुछ नहीं है, सिंपल बॉल है। तो ये इसका आपको जब पढ़ के कटेगा, जब भी आप इसको बोल सकते हैं कि अंदर गया या बाहर गया। हवा में थोड़ा बहुत कट सकता है, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है उस टाइम कट सकता है, पर ऐसे नहीं कटेगा कि हाँ सीम के साथ इधर जा रहा है उधर जा रहा है, क्योंकि सीम ही नहीं है। सबसे पहले आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आपको बता दूं, आउटस्विंग मतलब लेग कटर आप कैसे डाल सकते हो। हम आउटस्विंग को लेग कटर बोलते हैं, हमें फिंगर्स का यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको लेग कटर डालना है। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है गाइस, पूरा देखना, जब भी आपको अच्छी तरह समझ आएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बता ही दिया कि स्विंग नहीं होता है, कटर डालना है। कटर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपके हाथ में बॉल होती है, आपको रनअप सेम ऐसे ही लेना है जैसे लेदर बॉल में भी हम बॉल डालते हैं, देख सकते हैं आप, ऐसे बॉल आपको ऐसे ही पकड़ना है। हमारा काम कब स्टार्ट होगा, जब आप रनअप पे लोड करोगे ना, हमें बॉल रनअप लेते हो अपना लोड करोगे, उस टाइम आपका काम स्टार्ट होगा। और कटर भी गाइस दो तरह की होती है, एक तो आप तेज़ मारते हो जो पढ़ के तेज जाएगा, और एक अपना स्लो होता है, उसमें आपको रिस्ट का यूज होता है। दोनों में जब तेज डालोगे तो रिस्ट तेज ही मारना पड़ेगा, जब स्लो डालोगे तो रिस्ट स्लो। तो आज मैं बताऊंगा कटर मतलब तेज कैसे डालें और पढ़ के बाहर भी जाए, मतलब बैट्समैन खेले और पढ़ के बाहर जाए, मतलब आपका आउट स्विंग हो। तो उसके लिए सिंपल से आपको बॉल ऐसे पकड़ना है और आपको करना है फिंगर्स का यूज़, आपको सिर्फ जाके बॉल रोल करनी है इस तरह। गाइस ये आसानी में आपको सबसे पहले बता दूं, अभी आप जाके डाल के देखना, आप मैच खेलते होंगे या अपने घर में जाके डाल के देखना, तो आसानी से आपके नहीं डलेगी, आप किसी भी के सामने डालोगे तो आसानी से नहीं डलेगी, टप्पा इधर उधर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप अपना पार्टनर ले सकते हो, जैसे मैं खड़ा हूँ सामने पार्टनर लेके आप उसको बार बार डाल सकते हो। सिंपल सी बॉल आपको ऐसे पकड़नी है, रोल करनी है, बस जाके आपकी रोल होगी ऐसे, सिर्फ आपको अपनी रिस्ट ऐसे डालनी है ऐसे, और कोशिश करनी है कि फिंगर भी आपके लग के जाए। जितना अच्छा फिंगर आपकी इस पर लग के जाएगी उतना अच्छा बॉल कट के बाहर जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आपको आउटस्विंग डालनी है, मतलब लेग कटर डालना है। लेग कटर इतना आसान नहीं है बैट्समैन के लिए खेलना टेनिस बॉल से, क्योंकि सब क्या होता है जब ऐसे बैटिंग करते हैं तो ऐसे ही बैट घुमाते हैं, तो उनके लिए पढ़ के बॉल बाहर जाएगा। तो गाइस गारंटेड बोल रहा हूँ, पढ़ के मतलब बैट पे लग के ऊपर खड़ा होगा और आप कैच ले सकते हो आराम से, कीपर कैच ले सकता है। तो ये बॉल खेलना इतना आसान नहीं है, लेफ्टी को आप ऑफ कटर डाल सकते हो, पर राइटी के लिए सबसे बेस्ट बॉल है जिसको हम आउटस्विंग आप बोलते हैं, आउटस्विंग करना है, मैं बोल रहा हूँ लेग कटर। तो लेग कटर आप करना सिंपल सा है, आपको बॉल पकड़ के ऐसे अपना फिंगर जितनी अच्छी रोल करोगे उतना अच्छा आपका पढ़ के कटेगा और तेज भी जाएगा। आपको स्लो नहीं करना है कुछ भी, आपका एक्शन भी स्लो नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात यही है कि बहुत भाई एक्शन स्लो कर देते हैं फिर डालने कोशिश करते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बैट्समैन पिक कर लेगा। तो आपको एक्शन स्लो नहीं करना है, एक्शन भी आपका तेज़ रहेगा, लोड भी आपको ऐसे ही करनी है। ये आएगा प्रैक्टिस से गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, प्रैक्टिस मैच में डालोगे फिर धीरे धीरे आपको आ जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आ रहा था पर मैं बहुत अच्छा अब डालने लगा उसको, मतलब कंफर्टेबली डल जाता है जब जाके ऐसे रोल करता हूँ। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि बॉल आपकी ऐसे छूटे, जब आप बॉल यहाँ से डालो तो ऐसे रोलो, ऐसे रोल होगा जब भी जाके कट के बाहर जाएगा, अगर ऐसे आप रोल करोगे तो कट के अंदर जाएगा। इसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा आपको इन स्विंग के लिए, अपना ऑफ कटर के लिए। लेग कटर के लिए आपको ऐसे कोशिश करना है, और स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि नेट के सामने जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है, अभी घर में हो, घर में आपको सिंपल सी बॉल डालनी है, ऐसे डाल के ऐसे रोल करना है, ये आपका ऐसे रोल होगा। कोशिश करो कि ऐसे जितना ज़्यादा आप रोल करोगे आपको माइंड को पता चल जाएगा कि फिंगर्स ऐसे भी रोल होती है। हमारे लिए ऐसे रोल करना आसान होता है, ऐसे रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ अगर आप ऐसे करना सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे बॉलर बनोगे टेनिस बॉल से, आपको इतना आसानी से कोई मारेगा नहीं। तो धीरे धीरे कोशिश करो, आप 15-20 दिन ऐसे ट्राई करते रहो फिर आपको आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप मैच में भी डालने लगोगे। इसका टप्पा बता दूंगा, इस टप्पा कहाँ रखना है, सबसे मेन टप्पा ही होता है। आप इसको मुंह पे डालने लगे तो कोई नहीं छोड़ेगा, तो टप्पा जैसे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है ऐसे, तो आपको हमेशा थोड़ा दूर फेंकना है,
मतलब जहाँ मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो बैट्समैन से दूर, मतलब गुड लेंथ एरिया में, वहाँ से ज़्यादा आसान नहीं है मारना। अगर आप इसको बिल्कुल मुंह पे फेंक दोगे तो आराम से पिक हो जाएगा, या आप दूर फेंकोगे तो टाइम मिल जाएगा। तो आपको टप्पे से डालना है, और ये भी देखना है कि कौन से एरिया में डालना है। तो आप कोशिश करो कि चौथे स्टंप पे, जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये तीन स्टंप होते हैं, चौथे यहाँ पे, चौथे स्टंप पे पड़ के बाहर जाएगा। और अगर आपका ज़्यादा कट रहा है, आपके ज़्यादा रोल हो रहा है फिंगर्स इस पे, मतलब बॉल पे, तो आप इसको बीच वाले स्टंप पे भी डाल सकते हो, फिर पड़ के बाहर जाएगा। बहुत अच्छा बॉल, अगर ये बॉल आपने सीख लिया तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे बॉलर बनोगे एक दिन। इसका प्रैक्टिस बस पार्टनर के सामने आप डालते रहो और प्रैक्टिस मैच में डालते रहो, आप 100% बहुत अच्छे बॉलर बनोगे। एक्शन स्लो नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर एक्शन स्लो हो गया तो बैट्समैन पिक कर लेगा। एक्शन बिल्कुल स्लो नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको लोड करते हुए ये ध्यान रखना है कि हाँ अब रोल करना है, ऐसे रोल करना है, रिस्ट लॉक रहेगी और जाके बस रोल करना है। गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी कह रही हो, आपको कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो से आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपका भाई उस टॉपिक पर वीडियो लगेगा। और इंस्टाग्राम पर अपना सपोर्ट दिखाओ, सेम अकाउंट है, क्रिकेटर विशाल। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।